हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं मैं कटरा पहुंच गई हूं और कटरा में ये हमारा होटल है। और चलिए होटल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एंट्री करी और हमने इस होटल को पहले ही बुक कर लिया था, तो इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, मतलब 1 से 1.5 दिन के लिए हम गए थे, तो इसलिए हमने होटल पहले से बुक कर लिया था जिससे कि हमारा पूरा टाइम बच सके। तो यहाँ पर आप होटल का व्यू देख सकते हैं और होटल बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था और जितने अच्छे रेंज में मिला है तो उस हिसाब से आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगी कि कितना इसका प्राइस था और कैसे मैंने बुक किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे दूंगी। तो चलिए वीडियो देखते हैं और आप लोगों को पूरा दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह दी है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर क्लिक करके दिखा दिया है। और यहाँ पर अर्ली चेक इन एंड लेट चेकआउट का वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने पूरा का पूरा शूट नहीं किया है जैसे कि हर बार शूट करती हूँ, तो इसमें नॉर्मल एक व्लॉग बनाया है जो कि आप लोग के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। ऐसा व्लॉग मत समझना कि ट्रैवल व्लॉग है। मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि मैं नॉर्मल ही व्लॉग बनाती हूँ, लाइक पूरी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोग को बताती हूँ कि होटल कैसा है क्या है, तो उस बेसिस पे ही आप जज करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग को पसंद पड़ेगा तो उस चीज़ पर आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका सारा आंसर मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए होटल का रूम दिखाते हैं आपको। चलो सामान अभी देखे आप ये फ्रंट बालकनी व्यू नहीं है क्या भैया? ये तो बैक है। कोई और रूम नहीं है जो फ्रंट बालकनी वाला रूम नहीं है? एक बार देख लेते हैं। अब यही है, अभी 112 में रूम दिया सो गाइस, यहाँ रूम तो बहुत अच्छा है बट इसका ना जो विंडो है ना ये थोड़ी साइड से खुलती है, यहाँ से ओपन होती है यहाँ से। तो मैंने बोला कि अभी मुझे बालकनी वाला, मतलब जो मेन होता है मेन गेट की जो बालकनी है वो वाला व्यू वाला चाहिए था। वैसे तो हमें उठना ही उठ के सीधे दर्शन के लिए निकल लेना है, लेकिन ठीक है अगर एक दो दिन का हमने होटल बुक किया है और 2 दिन में हम मैक्सिमम रहेंगे 12 घंटे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी आज पहुँचे हैं 3:30 बज रहा है, उसका सो जाएंगे फिर सुबह उठ के सीधे निकल लेंगे दर्शन के लिए, तो ज़्यादा टाइम तो इसमें रुकेंगे नहीं। लेकिन 2 दिन के लिए इसलिए किया क्योंकि जब वापस आएंगे ना रात में हमारी ट्रेन है तो दिन में हमारा सामान कहाँ रहेगा, तो फिर एक दिन एसी वाला एक दिन नॉन एसी वाला यूजलेस लग रहा था, तो इसलिए हमने ले लिया था और रिजनेबल प्राइस थी इसकी, वर्थ थी प्राइस जितनी है ना उस हिसाब से होटल बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी दिखाती हूँ आप लोग को पूरा व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी मैनेजर से बात हो गई थी और हमें ये रूम उतना अच्छा नहीं लगा था और सेम चीज़ें दूसरे में भी मिली थी बट इस रूम में एंटर जैसे मैंने किया मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हमने बोला कोई अगर दूसरा रूम मिल जाता है तो हमें चेंज करा दो उसमें। तो फाइनली सेकेंड रूम हमने देख लिया था और उसमें थोड़ी सी उसकी फ्लोरिंग ठीक थी और रूम अच्छा था, मतलब ऐसे सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं जो भी हम होटल लेते हैं, रूम तो एक ही जैसा होता है बट किसी किसी रूम में आप एंटर करो तो एक अच्छी सी वाइब आती है एक अच्छी वाइब नहीं आती है, वो वाली बात थी। तो यहाँ पर जैसे हम एंटर किए तो ये वाला रूम हमें थोड़ा सही लगा तो इसलिए हमने ये रूम ले लिया। सो ये हमारा रूम है और 114 नंबर हमने 112 लिया था बट उसमें लाइट थी लेकिन दिन बाथरूम में थे तो उस टाइम हम डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा ले कौन सा ले, तो फिर हम इसमें आए तो इसमें पता चला कि लाइट थोड़ी सी स्लो है इसकी, मतलब लो है लाइट, लेकिन अब इसमें आ गए थे तो बार बार एक्सचेंज करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो जैसे एंट्रेंस हमारा होता है ना, एंट्रेंस पे आपको ये मिरर दिख जाता है अपना फेस का, जो भी आपको कुछ करना है, तो मिरर अच्छी मिरर है, सामने से लाइट पड़ रही फेस पे, ये देख सकते हैं कैसे रिकॉर्डिंग करी मैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बाथरूम दिखा देती हूँ। तो ये है वॉशरूम यहाँ का और वॉशरूम अच्छा खासा है, बहुत स्पेसियस है। तो ये यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं और इस बार मैं पूरा रिकॉर्डिंग करके आप लोग को दिखा दे रही हूँ। आप लोग बार बार कंप्लेन करते हैं ये छूट गए ये छूट गए ये छूट गया, तो पूरा वीडियो देख लेना, लेकिन वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग। तो चलिए ये देखिए आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ का होटल का जो वॉशरूम ये है। तो यहाँ पे बगल में यहाँ पे नहाने के लिए एरिया बना दिया गया है और क्लीनिंग अच्छी है, मतलब साफ सुथरी है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। टाइल्स का कलर को तो चेंज नहीं कर सकते बट सफाई अच्छी खासी है। यहाँ पे कर्टन लगे हुए हैं, कमोड, सारी चीज़ें यहाँ पे रखे, टॉयलेट पेपर और ये सब चीज़ें जो भी नॉर्मल तो रहता है ये रहता है। आपको यहाँ पर ये मिल जाता है, क्लीनिंग प्लस का शैम्पू मिलता है, यहाँ पे
हाथ धोने के लिए शैम्पू है, हाथ धोने के लिए साबुन है, और इतना बड़ा मिरर, सोच लो इतना बड़ा, कम से कम 5 लोग यहाँ पे खड़े होके अपना वीडियोस बना सकते हो हमारे जैसे, और अपना मेकअप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इतना बड़ा बाथरूम है, पूरा देख के लग रहा है ना कितना बड़ा सा स्पेशियस है। तो गाइज ये हो गया हमारा बाथरूम। सो गाइज इसमें बस लो लाइट है मेरी, मतलब क्या है उस वक्त डिसाइड नहीं हो पाया ना, क्योंकि इसमें आया तो इसमें लाइट कम थी, बट रूम थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि इसकी फ्लोरिंग अच्छी थी, उसमें फ्लोरिंग नॉर्मल फ्लोरिंग थी। तो इसमें फ्लोरिंग में इन्होंने वॉलपेपर या वुडन पर, वुडन है ये, हाँ वुडन है, इसमें वुडन है, उसमें नॉर्मल ये था मार्बल था। तो इसको हमने लिया, सेलेक्ट कर लिया। और ये है बेड, यहाँ का बेड देख सकते हैं अच्छा खासा है, बहुत अच्छा सही है। और यहाँ पे एक आपको काउच मिल जाता है सोफ़ा के फॉर्म में, तो यहाँ पे सोफ़ा बैठने के लिए मिल गया है। यहाँ पे आपको अपना कुछ सामान रखना रख सकते हैं, साइड में अपना ये कैटल भी है, ग्लास है। यहाँ पे आपको रिसेप्शन पे या फिर कहीं भी आपको कॉल करनी है, जैसे कुछ भी ऑर्डर करना है तो उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये टी टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे टी कॉफ़ी आप पी सकते हैं। और ये अलमीरा यहाँ के मिल जाती है एक छोटी सी। और ये है टीवी कैबिनेट, और टीवी, और टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा वो भी देख के बता देंगे आप लोगों को, लेकिन आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, एक ही ब्लॉग में आप लोग देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका अलमीरा अगर अच्छी है ठीक है, लेकिन इस्तेमाल हमारा होना नहीं है। अब चलिए कर्टन्स खोलने के बाद ये उतना अच्छा व्यू तो नहीं आ रहा है, लेकिन ना पता नहीं क्यों अब उस चक्कर में हमें लगा उससे बेटर मिलेगा, लेकिन ये उससे बेटर तो नहीं है। इसमें बस चीज़ें अच्छी हैं, थोड़ी सी एसी वगैरह नया है, उसमें एसी वगैरह पुराना था, तो बस यही है। यहाँ का बैक साइड ही है, ये फ्रंट नहीं है। तो चलिए ये था हमारा यहाँ का होटल का रूम और होटल। या तो मेरे हाथ कटे हुए हैं ना, ये अपने ही हाथ से हाथ कट जाते हैं मेरे, अक्सर कभी चाकू से कभी किसी चीज़ से अपने आप ही हाथ कट जाते हैं। तो मैंने छुआ तो मुझे यहाँ पे करंट आ गया, अब हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया चाय, यहाँ पे ब्रू वगैरह सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन पीने को चुस्कियाँ लेते हुए। और यहाँ पे चल रहा है मैच, और इनको मैं सिर्फ अपने ट्रेवल ब्लॉग में ही लूँगी, डेली ब्लॉग में नहीं लूँगी। तो गाइज बस ट्रेवल ब्लॉग में इनको थोड़ा सा इतना प्यार दे दीजिए कि ये मेरा हर ब्लॉग्स में आना शुरू कर दें, वरना इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता मेरे ब्लॉग्स में आने में, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट होता है इनको लाने में, क्योंकि बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं वीडियोस बनाने में। ये हो गया मेरा, नमस्ते दर्शकों, नमस्ते दर्शकों, ये है नितिन, ये है इनका टी, और ये है लपुस। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको होटल का एक्सटीरियर जो व्यू है रात का वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे रात में कुछ ऐसा दिखता है, और बस इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए कटरा घूमने के लिए निकली थी, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए कैसा इसका लुक आता है बाहर से। तो रात में कुछ इसी टाइप का दिखता है। और होटल का जो प्राइस की बात करें तो मुझे 3,500 करीब पड़ा था, और एग्जैक्ट कितना पड़ा था मैं आपको स्क्रीन शॉट लगा दूँगी, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख लेना। और ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, आपको 3 का भी पड़ सकता है, आपको 4 का भी पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि उस वक्त का रेट क्या चल रहा है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से क्लिक करके आप बुक कर सकते हो। आप MMT से भी कर सकते हो, गोई वीवो से भी कर सकते हो, लेकिन आप घर से ही करके जाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे रेट कुछ ज़्यादा ही हाई दिखते हैं, तो इसलिए घर पर डिस्काउंट वगैरह हो जाता है, जैसे कूपन वगैरह यूज़ करोगे तो डिस्काउंट। चाहो तो आप मेरा भी कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।